नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। आइयो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आरआरबी की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। और बड़ा अच्छा लिखा है भाई, इन लोगों से बच के रहे हैं ये जो नाम लिखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी पीडीएफ है दोस्तों, 79 पेजेस की, इसको आप आराम से पढ़ते रहिएगा। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन रेलवे हमेशा से ही निकालता आया है, और ये इसकी बड़ी खासियत है। इसको पढ़ने के लिए भी हम एक सिलेबस ही मान सकते हैं। बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखना शुरू कीजिए। पब्लिकेशन हो गया है वेबसाइट पर कल, आज से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, एक महीना लगभग चलने वाले हैं, रात को 12 बजे तक। और फीस भरने का समय आपको ये दे रखा है, मॉडिफिकेशन कुछ करना है तो भी ये समय आपको दे रखा है। और आप जितना जल्दी इसको अगर देख रहे हैं, भरना चाहते हैं, तो आप इसको भर दीजिए। लास्ट में भरने का कोई मीनिंग नहीं है, जब आपको इस एग्जामिनेशन को देना ही है, तो चाहे फॉर्म आप आज भरें या लास्ट डेट को भरें, बात बराबर है। लेकिन कुछ क्योस कैसे हो जाते हैं आखिरी में, कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, तो वो रेक्टिफाइड नहीं हो पाएंगी तो बहुत दिक्कत आएगी, तो आप उसको पहले ही भर सकते हैं दोस्तों। ये पोस्ट के नाम है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, ये लेवल है। इस सीपीसी लेवल पर आपको वेतनमान मिलेगा, ये इनिशियल पे है, ये मेडिकल के स्टैंडर्ड है। और ये उम्र है, उम्र का ध्यान रखिए दोस्तों, 18 से 30 यहाँ पर दी गई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एप्लीकेबल अगर एज होती है आपकी, तो ये यहाँ पर 18 से 33 ये टोटल वैकेंसीज दी रखी हैं। और ये बहुत बड़ा एक नंबर है, अगर आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अब मेन चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ये नोट्स जो है रिजर्वेशन के लिए हैं, और जैसा भी आप जिस कैटेगरी के हैं, आप पर जो अप्लाई होता होगा उसको आप यहाँ पर ध्यान से जो है पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बहरहाल ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, मैं आपको मेन कंटेंट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर तो वो चीज़ें दे रखी हैं, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो क्या क्या बैन है, क्या बैन नहीं है, क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें। स्टेजेस क्या होंगे एग्जाम के, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट अकाउंट क्लर्क के लिए और जूनियर क्लर्क के लिए होगा। सब्सिक्वेंटली साथ साथ देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। कॉल लेटर कब आएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर करेक्ट आंसर। सीबीटी में एक तिहाई नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, ये जनरल डिटेल दे रखी है। और इसमें ज़्यादातर अगर आप इतना बड़ा पढ़ना इसको पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो बोल्ड में दिया होता है गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन में लिखते टाइम पूरा ध्यान रखते हैं कि इन चीज़ों को बोल्ड किया जाए, ताकि आपका ध्यान जो है अलग से ही इन चीज़ों के ऊपर जो है चला जाए दोस्तों। ये प्रेफरेंस दे रखी है पोस्ट की रेलवेज़ की यूनिट्स में, और यहाँ पर किस कैटेगरी में किस लेवल पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या जगह होगी पोस्टिंग, ये सब आपको प्रॉपर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। और वैकेंसीज में आ जाते हैं, अलग अलग इनिशियल्स में आपको वैकेंसीज दे रखी होंगी। ये आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड है, जो कि रेलवे की नौकरी में, रेलवे की जॉब में आपको होकर गुजरना होता है। ये फिजिकली फिटनेस, ये आपका विजन जो है इस एक्यूटी में ये होना चाहिए, आपको देख रखा है दोस्तों। और जिस भी आप मेडिकल स्टैंडर्ड में हैं, A3 B2 C2, ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। ये है सिटीजनशिप, इंडियन, नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी, ये सभी आप जिस भी उसको बिलोंग करते हैं आप पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट दे रखी है, जिसको कि 1 जनवरी 2025 के माकिफ दिए देखा जाएगा। और अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए ये आप देखिए, ये यहाँ पर कैलकुलेशन एक समझा रखा है। और एज ग्रुप आपका 18 से 33 जो है यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद ये रिलैक्सेशन जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलते आए हैं, वो रिजर्वेशन भी आप समझ सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी पहले कुछ फॉर्म भरे होंगे या आपके घर में किसी ने भरे होंगे, तो आपको ये बहुत आसानी से जो है वो आपको समझा पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखें ये कैंडिडेट कैटेगरी में ये फीस का वो है, एग्जामिनेशन फ़ीस किस तरह से लगेगी, किसकी कितनी लगेगी, ये भी आप आसानी के साथ इसमें देख पाएंगे। अब दोस्तों हम बेसिकली चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको ये EWS के लिए है। और EWS जो बनते हैं वो दो बनते हैं, एक राज्य में बनता है और एक केंद्र के लिए बनता है। और ये जो नियम है, ये नियम अगर आपका EWS फॉलो करता है, तो आप जो है EWS के लिए एलिजिबल हैं और EWS के कैटेगरी में ही इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं,
क्योंकि 79 पेजेस का है, डिटेल्ड है, तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ अच्छा खासा एक एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी और डिस्क्रिप्शन की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। मैं आपको लेकर चलता हूँ और लेकर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। इसको देखिए, पहली स्टेज जो होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 13.1 लॉस में आप देख पा रहे हैं, ये कॉमन होगा और ड्यूरेशन 90 मिनट, 1.5 घंटे। क्वेश्चंस होंगे 40 जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में आपको करने हैं दोस्तों। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल, ये जो भी WBD कैंडिडेट्स अकम्पनीड विद स्क्राइब जो इनके साथ आते हैं सॉल्व करने वाले, उनके लिए ये टाइम दिया गया है। आपके लिए नॉर्मल टाइम ये रहेगा और इसमें ऊपर लिखा है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, एक तिहाई नंबर जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा हर गलत आंसर पे दोस्तों। इसी तरीके से आप ये और जो बोल्ड में लिखा है इसको पढ़ सकते हैं। ये बहरहाल आपका सिलेबस है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है अंडर ग्रेजुएट का ये जो है लेबल है, तो वहाँ पर इतना हाई स्किल कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, लिखा है 10वीं तक की CBSE की जो बुक्स होती हैं उसमें ये सभी जो दे रखा होगा ये आपको पढ़ना है। ये दूसरी स्टेज है दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट जो हो जाएंगे कैंडिडेट उनको सेकंड स्टेज में जो है नॉर्मलाइज करके लिया जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड स्टेज में आप देखिए यहाँ भी एक एग्जामिनेशन ये दिखा रहे हैं, और ये एग्जामिनेशन भी जो है इस क्रम में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के फॉर्म में यहाँ पर होगा। ये उसी क्लॉज के अंदर आ रहा है, ये उसका सिलेबस है पर्टिकुलर जो आपका सेकंड एग्जामिनेशन है। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकंड स्टेज, और जैसे ही आप सेकंड स्टेज को निकाल देंगे तब जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कि ऑप्ट करेंगे अकाउंट क्लर्क, ऑप्टेड फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। और ये क्या क्या स्किल टेस्ट में लगने वाला है, कितने मिनट्स, कितने वर्ड आपको पर मिनट लिखने हैं हिंदी और अंग्रेजी वालों को, ये भी इस डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखा है। अब हम आ जाते हैं लेबल पोस्ट पर और किसको कौन सा लेबल है। पहला स्टेज सबके लिए कॉमन है, दूसरा कॉमन है, तीसरा वह पहले वाले और चौथे वाले के लिए नहीं है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो है दूसरे और तीसरे वाले के लिए है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में समझाया हुआ है, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों रेलवे के जो है जोन होते हैं अलग अलग जोन, और अलग अलग जोन वाइज भी नीचे जो है डिटेल दे रखी है। ये आपको अप्लाई करने का तरीका बताया है, बैंक से आप कैसे इसको भरेंगे दोस्तों, ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप भर रहे होते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। फ़ोटोज़ कितने बड़े छोटे लगने हैं, क्या साइज़ रहना है, क्या सिग्नेचर का साइज़ रहना है, ये सभी जो है यहाँ पर बताया गया है। इसको भी जो है आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, और बड़े ही लंबे तरीके से प्रोसेस समझाइए क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है। हॉल टिकट के अंदर क्या क्या जो है आपको लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसे समझाइए कि बहुत ही कुछ रह नहीं जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो जोन्स हैं वेरियस RRBs के वेबसाइट हैं और एड्रेस हैं, ये इंडिकेट दे रखे हैं आपको, आप यहाँ पर जाके जो है विजिट कर सकते हैं। और ये आपको इनके फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म जो बता रखे हैं कि किसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला है, ये आपको यहाँ से बता दिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही जो है कुछ वार्निंग भी हैं कि आप इन लोगों से बच कर रहे हैं जो डिसीव करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और क्योंकि बेरोजगारी दर इतनी है बताने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से ऑफिशियल आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़कर अगर काम करते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये फॉर्म यहाँ से 40 नंबर से लेकर नीचे तक आने वाले हैं, किस कैटेगरी को किस तरीके के फॉर्म्स को जो है भरना होता है, तो आप जिस भी संबंधित कैटेगरी के हैं आप उसे जो है हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप उसको जो है यहाँ से भर पाएंगे दोस्तों। और ये मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ले चलता हूँ, ये आपको फॉर्म दिख रहे हैं। इसके बाद ये आ गए हैं जोन वाइज जो है पोस्ट का पैरामीटर यहाँ बताया गया है। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है और ये बेंचमार्क बताया गया है। यहाँ पर पे स्केल है और सूटेबल फॉर पर्सन विथ जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए। अब आप जैसे ही आएंगे देखिए, ये अहमदाबाद के लिए दोस्तों, तो RRB का जो हेड ऑफिस है अहमदाबाद में है, वहाँ पर ये पोस्ट है और बिल्कुल प्रॉपर बाइफरकेट कर रखा है। ये अजमेर के लिए पोस्ट है और ये बेंगलुरु के लिए हैं, आपके आप जिस भी आसपास हैं, ये राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की उसके लिए हैं। आपके आसपास दो तो जितने भी आप जिस जोन के अंडर में आते हैं उसको आप
प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं, ये जितने भी 15-16 जो रेलवे के जोन हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये इंफॉर्मेशन सीट्स की दे रखी है दोस्तों। तो ये यहाँ पर 77 पेजेस का नोटिफिकेशन होता है समाप्त। बहुत खुशी की बात है जो रेलवे की तैयारी सालों से कर रहे हैं या देख रहे थे, या जो पहली बार देना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।